अम्बाला पुलिस का नशा मुक्त अम्बाला अभियान जारी है। आए दिन नशे के सौदागर पकड़े जा रहे हैं। इसी बीच अम्बाला पुलिस ने एक बार फिर नशों की सप्लाई करने के दो अलग अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मामला अफीम तो दूसरा मामला हेरोइन से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक CIA ने गुप्त सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे स्थित शाहपुर पुल के नीचे से 1150 ग्राम अफीम के साथ आरोपी महावीर यूपी को गिरफ्तार किया। तो वहीं शहजादपुर CIA के द्वारा थाना साहा के क्षेत्र नारायणगढ़ माजरा से 90 ग्राम हेरोइन के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से आरोपी सोनू शहबाद के नलवी तो दूसरा आरोपी साहा के गांव का रहने वाला है। वहीं दोनों मामलों में पुलिस ने रिमांड हासिल कर आरोपियों से पूछताछ करनी शुरू कर दी है। जो CIA शहजादपुर है उसके उन्होंने भी एक हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी है। उनके मुखबरे खास की सूचना के ऊपर काम करते हुए उन्होंने 90 ग्राम हेरोइन थाना साहा के क्षेत्र में दो युवकों से पकड़ी है। जो एक्यूज्ड है उनकी डिटेल्स इस प्रकार से है, सोनू निवासी गांव नलवी थाना शाहबाद और रोहित निवासी गसीटपुर थाना साहा। इनको हमने FIR नंबर 151 पुलिस स्टेशन साहा के अंदर सेक्शन 21 NDPS के अंदर दर्ज करके इनको अरेस्ट किया और इनसे भी जो इनका सोर्स है उसके बारे में पूछताछ चल रही है। इसके अलावा तीसरा केस हमारी CIA 1 की टीम द्वारा 1 किलो और 150 ग्राम अफीम की रिकवरी की गई है पुलिस स्टेशन पड़ाव के एरिया में शाहपुर फ्लाईओवर के पास से। इसमें जो आरोपी है उसकी पहचान महावीर निवासी सरकपुर जो कि बदायूं यूपी का रहने वाला के रूप में हुई है और इसके खिलाफ हमने FIR नंबर 286 सेक्शन 18 NDPS के अंदर पुलिस स्टेशन पड़ाव के अंदर केस रजिस्टर करके उसको अरेस्ट किया गया। गौर हो कि नशा तस्करी से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी क्षेत्र में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी करने वाले आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेला जा चुका है, लेकिन ऐसे में गिरफ्तार हुए इन आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर मामले की गहनता से जांच कर रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस जांच के बाद और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।